उसने कहा अगर मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू करना चाहूं तो मिल जाए तुम नहीं मिलती <laughs> रोजा डिट मीन एनी टू मी वेन आई वर्क इन इट इन फैक्ट इट स्टार्ट इिटेटिंग आई डों को कर मिस करतेरह करते साल की उम्र में यू लॉस्ट या yeah. और आज भी करती हूँ बिकॉज माई मदर्स ड्रीम इज वॉट आई लिव मुझे लगा ड्रिंक करने से मैं एक्सेप्ट हो जाऊंगी सर्कल्स में सो आई यूज़ टू ड्रिंक टू बी कूल हाय हेलो हाय दिस इज़ मधु हियर और मैंने अपनी कहानी दिल से सिद्धार्थ को सुनाई है तो आप सब्सक्राइब कीजिए उनके यूट्यूब चैनल को एंड वॉच मी मधुबाला बोलूं पद्म मालिनी बोलूं या मधु बोलूं मधु तो ये तीन नाम कैसे चेंज हुए मालिनी मेरा आ, दिया हुआ नाम है तो माता पिता ने दिया माता पिता ने दिया था इट्स अ नेम और फिर मेरे मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ मेरे पिताजी दिल्ली में सर्विस में थे जी तो मैं करोल बाग में रहती थी और वहाँ के जो मतलब उस वक्त जो हम लोग कहते थे उमा दीदी स्पेशली उमा दीदी वो नाम मेरे एकदम माइंड में है वहाँ पे सारे मुझे बोलने लगे वो कहाँ है वो छोटी किधर है वो मधु कहाँ है नो बड़ी कॉल्ड मी पदमा तो वो वहाँ के कॉलोनी के लोग वो कहते थे अरे एक तो एकदम मधु है एकदम मधु जैसी है मधु का है मधु का है एंड ऐसे में पूरे सोसाइटी में सब ने मुझे मधु कहना शुरू कर दिया और जब पापा ने मेरा नाम स्कूल में रजिस्टर किया ही इन पुट माई नेम एज मधु मालिनी ही इन पुट माई नेम एज पद्म मालिनी ही वेंट एंड रजिस्टर्ड एज मधु मालिनी और ये नाम मुझे एक्चुअली लोगों का दिया हुआ नाम है सो दैट इज़ वाई आई लव माई नेम क्योंकि पद्मा मालिनी इज वॉट माई पापा कॉल मी घर में सब मुझे पदमा से पापू कह के बुलाते हैं नेम लेकिन मधु मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये प्यार से लोगों का दिया हुआ नाम है जब मैं छोटी थी और वो नाम मेरे पापा ने अडॉप्ट करके स्कूल में रजिस्टर किया मधुबाला इज़ अ नेम गिवन टू मी जब मैं पहली बार मुझे बालचंद्र सर ने मुझे hmm. लॉन्च किया था उन्होंने कहा कि मधु जो आपका नाम है वो साउथ में मेल नेम है तो वी हैव टू चेंज योर नेम मैंने कहा सर मुझे मेरा नाम चेंज नहीं करना है तो उन्होंने कहा कि एक कुछ ऐड कर देते हैं तो ही मी माला चाहिए कि बाला मैंने कहा बाला ऐसे माला बाला सो दैट्स हाउ इन द साउथ एज एन एक्टर आई एम नोन एज मधु बाला एंड बट आई लव माय नेम एज मधु और बहुत ही जल्दी जैसे मैं अडल्ट हुई और जैसे मैंने फिल्मों में काम शुरू किया मैंने अपना सर नेम ड्रॉप कर दिया बिकॉज आई डेंट वॉन्ट दैट माई सर नेम यूज टू बी मधु रघुनाथन एंड आई डेंट वांट दैट लॉन्ग नेम प्रनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो और वैसे भी मुझे ऐसा लगा था कि हिंदी इंडस्ट्री में साउथ के लिए एक बायस है वो बोलते थे ना मैंने मैंने खुद सुना है बचपन में वो कहते हैं मद्रासी या अंडा गुंडू एंड ऑल दैट तो वैसे ही एक बायस था कि साउथ इंडियन एक्ट्रेस इन अ हिंदी फिल्म आई डेंट वॉन्ट दैट सर नेम टू एड टू दैट इमेज तो मैंने कहा मधु रघुनाथन छोड़ के

लेकिन मेरी मम्मी हमेशा उन्होंने ये ड्रीम किया था मेरे लिए कि मेरी बेटी क्योंकि शी वॉज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट एंड शी वॉज द बेस्ट डांसर भरतनाट्यम और आ, वो शायद अपने टाइम पे एक्ट्रेस बनना चाहती थी उनको लोग सरोजा देवी के साथ कंपेयर करते थे तो उनके माइंड में हमेशा ये था कि मैं अपनी बेटी को डांसर बनाऊंगी एक्ट्रेस बनाऊंगी एंड आई एम फ्रॉम द फैमिली ऑफ हेमा जी सो so, वो ही हमने देखा है फैमिली में मेरी मम्मी डांसर थी और वी आर वेरी क्लोज टू दैट अदर हेमा जी फैमिली एज वेल तो वो एक ऑटोमैटिक इंस्टिंक्ट मेरे माता के मेरी माँ के माइंड में था कि मेरी बेटी एक्ट्रेस बनेगी सो आई ग्रो अप विद दैट फीलिंग दैट आई बी एन एक्ट्रेस और मैंने सुना कि आपको एक रोल पहले मिला था बहुत छोटा सा था राइट एंड यू रिफ्यूज इट और फिर आप गई रोशन तनेजा एक्टिंग अकेडमी में इज दैट ट्रू नहीं ऐसा नहीं हुआ मैं एक्चुअली बिल्कुल जब मैं बहुत ही छोटी थी तो एकदम कॉन्फिडेंट हैप्पी गो लकी लड़की थी जैसे आपने कहा मेरी मम्मी ने मुझे ये फील कराया कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड बट वेरी सुन आई लॉस्ट माई मम तो मैं काफ़ी अकेली हो गई थी एज यंग गर्ल और कॉलेज uh, में थी कॉलेज में एक्चुअली जाना था मैं स्कूल में थी सो so, जब मैं अपने टीन एज ईयर्स में आई दैट इज़ अ मोस्ट क्रूशल ईयर आई डेंट हैव एनी गाइडेंस एट होम इन द फॉर्म ऑफ अ फीमेल सपोर्ट तो ये हुआ जो जैसे जैसे चेंजेस होते हैं मुझे पता भी नहीं था कि कैसे चेंजेस होते हैं एक लड़की के लाइफ में सो आई वॉज गोइंग थ्रू आई हैड पिम्पल्स आई हैड हॉर्मोनल इश्यूज़ आई हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट और मैं जब मैंने मिथी भाई कॉलेज में मैंने जब uh, पहले दिन मैं जब गई थी uh, कॉलेज और मैंने सबको देखा अपने फ्रेंड्स को देखे तो मुझे ऐसा लगा यार मैं तो इनके जैसे बिल्कुल लगती नहीं हूँ दे हे सो प्रिटी एंड आई एम नॉट ये चीज़ मेरे माइंड में आ गया और मेरा पूरा कॉन्फिडेंस चला गया मुझे ऐसा लगा अब मैं एक्टर नहीं बन सकती बिकॉज एक्टर बनने के लिए इनके तरह लगना ज़रूरी है मेरी तरह नहीं और वो कैसे देखते थे यू नो द टिपिकल जो भी था कॉन्फिडेंट uh, थे और बहुत सारे आई I मीन mean, वो सिमिलर प्रॉब्लम्स तो थी वही एज ग्रुप तो था ही पिम्पल्स और ये वो

गिव अ नाइस हेयर कट मेरी मम्मी और मैं हम लोग साउथ इंडियन फैमिली इवन दो आई एम फ्रॉम जूहू बॉम्बे वो लम्बी चोटी बांध के तेल लगा के वही लुक था तो मैंने देखा ये नहीं मतलब दिस इज़ नॉट द वे फिर मैंने खुद पार्लर में जाके मैंने नहीं सबसे पहले तो मैंने एक दिन आ, खुद अपने बाल काट लिए मेर में घड़े रहे ऐसे एंड देन जब मैं अपनी फ्रेंड को मिली तो शी लुकट मिले कि ये तो क्या करके आई है सो यू नो दॉ नो बड़ी एट दैट टाइम और मैं ये बात आपको एटीज़ uh, की कर रही हूँ आज तो सब जानते हैं फाइव ईयर की बच्ची भी पार्लर में जाके बाल कटाते हैं मैनी्योर पेडिक्योर कराते हैं आठ दस साल में मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ कि पार्लर में जाना वॉज नॉट अ नॉर्मल थिंग so i didn't have any support. kai garmikai agar pui ho, so she would have said, ke beta, we have to do this. and that didn't happen. so i grew up very non-confident. i lost all my uh, wo dreams. to the dreams, meara, meara dream tha shuru se, ki main actor but as i came to that age, i lost it completely because i lost my confidence. and then. एज लाइफ वुड हैव इट डेस्टिनी वुड हैव इट ये हुआ मेरे पापा प्रोड्यूसर थे तो वो एक पिक्चर बना रहे थे आवारगी जिस में अनिल कपूर गोविंदा जी एंड मीनाक्षी जी देवर ऑल एक्टर्स महेश भट्ट वॉज अ डरेक्टर तो मैं अपने पापा के सेट पर म्यूज़िक रिकॉर्डिंग में बैठी थी अनू मलिक वॉज अ म्यूज़िक डायरेक्टर मैं वहाँ बैठ के म्यूज़िक इन्जॉय कर रही थी प्रोड्यूसर की बेटी हूँ बैठी थी वहाँ पर एक प्रोड्यूसर थे हु वॉज अ फ्रेंड ऑफ़ महेश भट्ट उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मेरे पापा से कहा जब मैं नहीं थी कि मैं तेरी बेटी को लॉन्च करना चाहता हूँ यू नो आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू फेस न्यू स्टोरी यंग एकदम रॉ फ्रेश आई लाइक योर डॉटर सो माई फादर केम आई वॉज ऑलरेडी इन कॉलेज आई थिंक आई वॉज इन द ट्वेल्थ इन मिथिबाई कॉलेज और फर्स्ट ईयर समथिंग लाइक दैट मेरे पापा उस दिन घर आए तमिल में बोले

Allah, my daughter is studying to become a doctor. I said, I want to be an actor. That was the first time I told my father that. I want to be an actor. Why did you say no? So, my father, who was not looking at my face and he was talking to me, he just looked up at me. I said, Yes. Then he spoke to him. Then that gentleman um, did a photo shoot with me. Uh, then he took me to Mr. Roshan तनेजा for a crash course, क्योंकि उनकी फिल्म एक महीने में स्टार्ट होने वाली थी तो उन्होंने मुझे एक महीने के लिए रोशन जी के साथ एनरोल किया था एंड आई वॉज द बेस्ट एक्टर इन रोशन तनेजा जी इज क्लास एट टाइम। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी एंड फिर शूटिंग स्टार्ट हुआ ड्रेस रिहर्सल्स हुए वो हुआ मेकअप टेस्ट हुआ सब कुछ हुआ शूटिंग स्टार्ट हो गया माई फादर वॉज वेरी अनहेप्पी क्योंकि मैं इलेवेंथ या नहीं ट्वेल्व्थ में या फर्स्ट ईयर में थी ही ओज वेरी अनहैप्पी क्योंकि कॉलेज ही ऑलवेज वॉन्टेड मी टू फिनिश माई कॉलेज बट यू नो आई वॉज की करना है करना है करना है तो हमने शूटिंग स्टार्ट कर दी एग्जैक्टली आफ्टर थ्री डेज ऑफ शूटिंग द ट्रेड मैगजीन केम यू नो उन दिनों वो ट्रेड गाइड और फिल्म इंफॉर्मेशन मैगजीन हुआ करते थे तो वो आया तो मेरे पापा ने देखा उसमें लिखा था मधु रिप्लेसड बाई बायो मधु रिप्लेस्ड आई डेंटिन गेट अ कॉल टू से ठीक नहीं लगा या कुछ और प्रैक्टिस करते हैं या विल डू मो वर्कशॉप या या नहीं करना है आपको रिप्लेस करना है दैट कर्सी कॉल डिट कम टू माई फादर और टू मी वी रेड इट इन द ट्रेड मैगजीन आई वॉज ब्रोकन हार्टेड बिकॉज आई नैवर स्टार्टेड एज एन एक्टर टू बिगिन विथ बिकॉज आई वॉज सो लो ऑन कॉन्फिडेंस अब तो ये वो हो गया ना कि बिल्कुल नहीं अच्छा था बट दैट वॉज माई Uh, वो कहते हैं ना रॉकेट जब ऊपर उठता है उसके नीचे जो आग निकलती है दैट इज एक्चुअली द पावर दैट इज वॉट इट डिड फॉर मी दैट रिजेक्शन इज दैट फायर दैट अलाउड मी टू फ्लाई हाई बिकॉज आफ्टर दैट आई सेड अब मैं मोटी हूँ लंबी हूँ छोटी हूँ ये हूँ वो हूँ आई विल बी एन एक्ट्रेस एंड आई विल शो दर्ल्ड पावर दैट पावर देन मैं जूहू बीच पे रनिंग करती थी क्योंकि दे वॉज नो जिम मेम्बरशिप मैं पाँच बजे उठ के जू बीच पर रन करके घर आके आई वॉज इन कॉलेज एट सेवन फिफ्टीन और आई एनरोल विद रोशन तनेजा जी फॉर अ होल ईयर्स डिप्लोमा मैंने कहा एंड रोशन जी आस्ट मी एंड ही सेट यू नो मधु आई थॉट इन माई क्रैश कॉर्स यू आर द बेस्ट आर्टिस्ट वॉट हैपन आई सेट सर टेल मी वॉट हैपन तो उन्होंने बात करी होगी उनसे तो उनको उन्होंने बताया कि जिस लड़की को फ़ोन उठाने नहीं आता वो क्या एक्टर बनेगी क्योंकि वो सीन में ऐसा था कि मैं फ़ोन उठा के मैं बात कर रही हूँ और शायद वो पता नहीं क्या हुआ तो दीज वर लाइंस जिस लड़की को फ़ोन उठाने नहीं आता वो क्या एक्टर बनेगी हीट बेसिकली you know, so, फिर मैंने वो डिप्लोमा क्ला, क्लास ज्वाइन करा और उनके क्लास में तीस स्टूडेंट्स थे फ्रॉम ऑल द स्टेट्स और सभी लोगों के डिक्शन्स में उनके स्टेट की जो प्रनाउंसिएशन है पंजाबी महाराष्ट्रन गुजराती सो so एवरीबडी लाव द टीचर अदर सबसे पहले मैंने ये बात सीखा कि अगर आप मुझ पर हंसते हो तो मुझे बुरा नहीं लगता अगर मैंने कोई आ, गलत बात कह दी या मेरी हिंदी में अगर कोई प्रनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है और मैं ठीक नहीं हूँ और आज भी अगर कुछ ऐसा हो और आप मुझे अगर करेक्ट कर रहे हो या आप मेरी कोई गलती निकाल रहे हो आई डोंट केयर आई एम य टू लर्न डिप्लोमा क्लास वॉज तीस स्टूडेंट मेरे सामने हमारे सामने एक दूसरे के सामने जब वो परफॉर्म करते हम स्निगर करते थे जब मैं परफॉर्म करती तो कोई और स्निगर करता है सो यू आई लर्न टू नॉट सी दैट एंड दैट इज माई एक्टिंग क्लास नॉट हाउ टू एक्ट और हाउ टू टॉक हाउ टू इग्नोर ओपिनियंस एंड माई लाइफ टू कॉफ तो मैं आप जानना चाहता हूँ फूल और कांटे पहली फिल्म कैसे मिली आपको <coughs> uh, हुआ यूं कि कॉलेज खत्म हो गया डिग्री हासिल हो गई डिप्लोमा क्लास मैंने रोशन जी के साथ कर लिया अब मुझे कुछ करना है मेरे पापा मेरे सर पे बैठे थे कि नेक्स्ट पढ़ाई आपको करनी है या आपको काम करना है आप कुछ भी करो घर में बैठने नहीं दूंगा एंड ऑलरेडी अबाउट सेवन एट मंथ्स सब कुछ खत्म करके मैं घर में बैठी थी पापा ने कहा अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा आई डोंट लाइक एमटीनस इधर यू स्टडी और यू वर्क और यू गेट मैरिड आई सेड माई फादर विल गेट मी मैरिड तो मैंने सोचा कि मैं एरोस्टिस बनूंगी मैंने uh, थे और यू you नो know, जो भी उस वक्त के जो एयरलाइंस में अप्लाई किया था इंटरव्यू में भी पास हो गई जब रिटर्न uh, इंटरव्यूज़ में जब फेस टू फेस आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको यहाँ पे क्यों काम करना है मैंने कहा एक्चुअली आई वांट टू बी एन एक्टर आई हैवन फाउंड इट येट आई न्यू देट वॉज द रॉन्ग आंसर मैं बाहर आते ही मुझे मालूम था कि ये नहीं मिलने वाला तो नहीं मिला सो ऑल दिस रिजेक्शन एंड ऑल हैपन्ड एंड आई डेंट नो वॉट टू डू आई वॉज प्लेइंग कैरम विद माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड्स द फोन द बिग ट्रिंग ट्रिंग वो मेरे पीछे था मेरे बेड के पास रिंग हुआ मैंने उल्टे हाथ से मतलब कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पर था उल्टे हाथ से मैंने फ़ोन उठाया है सर हेलो सो दॉयस ऑन द अदर साइड वॉज कुकू कोहली सर आई एम कुकू कोहली आई वॉन्ट टू स्पीक टू मधु बिकॉज आई वॉन्ट टू टे यू नो टेक अ फॉर दिस मूवी सो माई फादर वॉज सिटिंग इन द लिविंग रूम अगैन इन तमिल आई शाउट अपा यारो फोन पारूँगा एंड आई पुट द फोन डाउन

टेक में काम करना है पिक्चर आया मौका मिल गया ऑफ मूवीज किए आपका बॉन्ड ओवर अजय के साथ कैसे रहा है अजय देवगन फूल और कांटे वाले और आज के जमाने में अजय देवगन क्या आप टच में उनके साथ नहीं मैंने उनके uh, फूल और कांटे के बाद मैंने उनके साथ दिलजली करी और उस फूल और कांटे और दिल जले के बीच में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं भी काफ़ी चेंज थी वो भी क्योंकि फूल और कांटे में हम दोनों ही न्यू कमर्स थे एंड इट वाज वेरी रिलैक्स्ड क्योंकि वो भी मीठी बाई के हैं मैं भी मीठी बाई के फैंटेस्टिक तो यू नो वी वर यंग वी वर बींग लॉन्च और कोई वो अवेयरनेस ही नहीं था कि यू नो एक्टिंग कैसे होती है अपार्ट फ्रॉम अमरीश पुरी जी अरुणा जी यू नो मोस्टली आई वॉज वेरी comfortable. ऐसे लग रहा था कि मैं एकदम एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हूँ एंड दैट इज़ द पावर ऑफ दैट यू नो आई एम डोंट केयर मेरे सामने कौन है मैं करूँगी जो मुझे करना है We वर्क like that and he was very comfortable because he's इज uh, son. All his life he's been in the industry. But we were friends and all that. दैट फिर हमने बहुत सालों तक कोई साथ में कोई film नहीं की वो करते गए मैं करती गई Liye Roja and Pechan and Yodha and gentlemen, all that happened. I've started experience, experiencing that great feeling of success. Uske baad ham saath me aaye Diljale. So we started as newcomers. When we met about after seven or eight years with Diljale, we were both tasted uh, our successes and we came back, and that was the most amazing experience because I was in. Uh, कहाँ थे हम शूटिंग आई थिंक कश कश्मीर में नहीं थे शायद उस वक्त um, स्नो के लिए शायद हम उस वक्त शिमला या मनाली जाते थे तो पूरी फिल्म सोनाली अजय मी एंड ऑल द अदर एक्टर्स वी वैर द बॉन्ड एंड द रैपो एंड दैट्स व्हेन आई नो दैट ही इज़ अ फन गाय क्योंकि वो ड्राइव करते थे तो रात को शूटिंग के बाद वो खुद ड्राइव करते थे और हम सारे एक्टर्स वो उनकी गाड़ी में बैठ के हम लोग माउंटेन में जाते थे नाइट में एंड वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम दैट इज़ वाई सोनाली एंड आई आर स्टिल ग्रेट फ्रेंड्स क्योंकि आज भी जब हम मिलते हैं किसी पार्टीज में या सोसाइटी में व वे वी सी इच अदर दे वी हग इच अदर वो आज की फ्रेंडशिप नहीं है हमने जो मस्ती उस वक्त की वो इमिजिएटली हमारे आंखों के सामने आ जाता है एंड नो वी सी इच अदर डिफरेंटली वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस और फूलों काटे में जो सक्सेस आपने देखी ब्लॉक बास्टर फिल्म थी राइट ब्लॉक क्या सक्सेस देखा मैंने क्या क्या चीजें होने लगी आपके साथ मुझे बताओ ना यार सबसे पहले तो यू you नो know, जो डर जो मन में था ट आई एम नॉट गुड इनफ क्योंकि फूल और कांटे जब रिलीज हुई साथ में लम्हे रिलीज हुई लम्हे हैी जी अनिल जी यश जी एंड बी यर ऑल यू नो सो आई सर ओ माई गॉड एंड वॉट इज गोट सो आई वॉज हाइडिंग आई वॉज हाइडिंग फॉर थ्री डेज कहा घर पे नहीं एक बेस्ट फ्रेंड मेरी स्कूल की फ्रेंड थी उसके घर में ताकि मेरे घर में भी कोई मुझे देखने नहीं आ जाए आ जाए जा, मिलने नहीं आ जाए कोई मैसेज नहीं आ जाए क्रिटिसिज्म की या नेगेटिविटी की तो मैं उससे बच के मैं किसी दूसरे के घर में बैठी थी तीन दिन के बाद मेरे सेक्रेटरी अंकल ने मुझसे फ़ोन करा उन्होंने कहा कि बेटे बाहर आ जाओ हिट हो गई है फिल्म आपकी तो बहुत तारीफ है एंड आई हर्ड दोज वर्ड्स एंड आई केम आउट एंड यू नो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग दाथ आई कॉन्ट रिमेंबर बिकॉज ये तीस साल पुरानी जी, बात जी. है तो मुझे वहाँ पर जाके वो बातें सोच के वो इमोशन सोच के मैं आपको बता नहीं सकती पर आई एम कंपेयरिंग इट टू अभी रिसेंटली मैंने स्काई डाइविंग की आई वॉज इन न्यूजीलैंड और मैं इन सब चीज़ों से डरती हूँ आई एम नॉट अ रिस्क टेकर लाइक दैट पता नहीं एक माइंड ब्लॉक हो गया था जो ब्लॉक मैंने मैं इसके लिए मैं आपको कंपेयर करा रही हूँ जब मैं वहां पे गई वहाँ जहां डाइव करना था सारे लोग कर रहे थे दूसरे लोग कर रहे थे मैं तो नीचे खड़े रहने गई थी वहां जाके किसी ने कहा वाई डोंड ब्लॉक आई वेंट एंड आई साइंड वेवर्स एवरी थिंग आई स्ट्रैप एंड आई वेंट एंड आई जम्प और जब मैंने जम्प किया मैंने देखा कि वलकेनोज ये सब पूछते कैसा था साइट कैसा था साइट कैसा था ऊपर से आपने देखा वल्केनोज देखे तो मैंने कहा वो सब देखा पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो इज नॉट द साइट अब दूसरी बार अगर करूं अगर करूं तब शायद मैं देखूंगी कि साइट कैसा था मैंने जो एक्सपीरियंस किया था कि मैंने वो वो कुछ किया जो मैं कभी कर ही नहीं पाती थी यू नो आई डिड समथिंग दैट वाज बियॉन्ड मी दैट वाज द फीलिंग आई हैड वेन फूल कांटे द होल वर्ल्ड सेड यू कैन नॉट बी एन एक्टर आई माई माइंड सेड आई कैन नॉट बी एन एक्टर बट आई डिड

आज भी मैं सेल्फ डाउट में रहती हूँ आज भी मुझे वो सारी फीलिंग्स आती हैं सो आई ओनली सरेंडर आई गॉड टेक केयर ऑफ मी एंड वॉट एवर बी ओके सो दैट इज़ माई लाइफ दैट स्काई डाइविंग फीलिंग द लॉन्च ऑफ फूल और कांटे यू you नो know, लोग कहते हैं तुमने रोजा कैसे चूज़ की मैंने चूज़ नहीं की उसने मुझे चूज़ किया फिल्म ने मुझे चूज की माई माई डिरेक्टर चूज़ मी हाउ गुड वॉज आई डिड आई नो कि मैं ये एक्सप्रेशन दे रही हूँ जो लोगों को पसंद आएगा बिल्कुल नहीं मालूम था। फिल्म रिलीज़ होने के बाद जो मुझे रेस्पॉन्स मिले उसके बाद मुझे पता चला ओ आई थिंक आई डिड वेल सो आई एम गॉड्स चाइल्ड एंड आई लिव लाइक दैट मेरा फेवरेट वर्ड है अंगार यानी कि फायर फ्रॉम विद इन और ये मेरा अंगार मोमेंट है आप रोजा के लिए रात को क्यों शूट करती है? दिन में कोई और फिल्म शूट करती थी नहीं वो मनी जी का वो लाइटिंग संतोष यू नो दे ऑल हैड ना वो फाइव ओ क्लॉक मॉर्निंग लाइट यू नो ऑल दैट तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा नींद में ही हूँ अपार्ट फ्रॉम द सॉन्ग्स मुझे ऐसा लगता है कि नींद में से उठा के मुझसे कह रहे हैं कि शॉट कर दो और वो शॉट जो मेरे लिए मेरा फेवरेट शॉट है उस फिल्म के अंदर वो है uh, अगर आपको याद है एक वो सीन है यू you नो know, uh, कोई आके कहता है कि एक बॉडी मिली है आप आके रेकग्नाइज करें कि ही इज नॉट योर हजबेंड तो मैं जाती हूँ बॉडी को देखती हूँ और मैंने कोई रिएक्शन ही नहीं दी एंड इट इज़ नॉट हिम एंड आई जस्ट माई बॉडी लीन्स बैक इन रिलीफ आई लव दैट शॉट आई वॉज थर्टी ईयर्स बैक ओके एज एन एक्टर आई वॉज यंग नॉट एक्सपोज आज तो हम इतने सारे एक्टिंग देखते हैं वेस्टर्न सब हम देख के उसको एम्यूलेट करते हैं

That was the sentiment behind it. So something worked for for me when I didn't work for myself. आपने मुझसे कहा कि रोजा है yeah. कैसे? आपको कोई और फिल्म देखकर चुना गया नहीं ऐसे नहीं हुआ मैं बालचंद्र सर के साथ ऑलरेडी वो मेरे मतलब अगर मैं किसी को उस वक्त माय यूथफुल एरगेंस ने किसी को गॉड फादर या फादर फिगर माना नहीं था मैंने अपने कई सारे इंटरव्यू में कहा कि आई हैव नो गॉड मदर नो गॉड फादर आई एम मी आई एम मी मैंने ये बातें बहुत कही उस वक़्त उस टाइम पे ताँपे। उस टाइम पे आजकल मैं वो बात बिल्कुल नहीं कहूँगी आई अंडरस्टुड लाइफ सो आई वुड लाइक टू गिव दैट क्रेडिट टू बालचंद्र सर कि उन्होंने मुझे ऐसे हाल में चूज़ किया था पता है वो कैसे हुआ यू सी हाउ इट प्लेज सिद्धार्थ यू नो आई एम नॉट गन अ टॉक ये मैं यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल बात करने नहीं आई हूँ लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाउ लाइफ वर्क्स जिस फिल्म में से मैं रिजेक्ट हुई उस फिल्म के डायरेक्टर ने सबसे पहले मेरे साथ एक शूट किया था और वो शूट का जो फोटोग्राफ है इलिस्ट्रेटिव वीकली के लास्ट पेज में आया था एस्पिरंस में बाल चंद्र सर सॉ दैट फोटो समर इन चेन्नई और उसमें लिखा था हेमा मालिनीज नीस एस्पायरिंग टू बी एन एक्टर उन्होंने हेमा जी के घर चेन्नई में फोन किया कि ये कौन है आपके फैमिली uh, में ये लड़की एंड हु आंसर द फोन माई अम्बा हेमा जी इज मदर स्टाफ ने अगर किसी ने उठाया होता तो शायद ये आज हम और आप शायद नहीं होते यहाँ पे इस वक्त अम्बा ने फोन उठाया

गाड़ी में बैठ के मैं सर के घर गई सर इज़ लुकिंग एट मी इन दैट हॉल आप सोच भी नहीं सकते एंड उन्होंने कहा कि हम फिल्म स्टार्ट करेंगे वॉट वॉज दैट फिल्म अरेगन विथ मामूटी सर भानुप्रिया जी एंड मी हु इज के बालचंदर आई डोंट नो लेटर आई फाइंड आउट ही इज द पर्सन हु लॉन्च श्रीदेवी कमलहासन रजनीकांत एंड मधु ही लॉन्च मी एंड उनके साथ मैंने ऑलरेडी अरेगन साइन किया हुआ था शूटिंग चल रही थी आई वॉज डूइंग वन एम एल ए विथ हिम हिज सेकेंड फिल्म ऑल्सो हिट टुक मी बिकॉज ही लव्ड मी एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग इन अरेगन भानुप्रिया जी वॉज देर शी स्वामी शिव सिटिंग लाइक दिस एंड आई वॉज डूइंग सम डांस स्टेप आफ्टर आई फिनिश दैट शी सेट यू विल गो अ लॉन्ग वे शी से वर्ड्स टू मी एंड देन रोजा इज़ अ कवितालिया फिल्म इट्स नॉट मनी सर्स प्रोडक्शन इट वॉज बालचंद्र सर्स प्रोडक्शन फिल्म सो आई थिंक मनी जी वॉज वट ही वॉज अ डिरेक्टर तो उन्होंने मैंने बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने कम से कम दो सौ आई डोंदर इट्स एन एग्जैजेशन कहने का जैसा तरीका हो या सच में उन्होंने दो सौ लड़कियों का ऑडिशन लिया उस फिल्म के लिए एंड ही स्टिल हैड एंड फाउंड इज रोजा सो द डिरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर मे हर बीन डिस्कसिंग के आई हैवन फाउंड द गर्ल दैट आई वॉन्ट दैट टाइम बालचंद्र सर टोल्ड इम आई बिलीव Ke there is a girl who is not fully new. She is doing one Hindi film, phool or Kante*. She is doing my film. She is very new, but she is doing these two three films. And she, why don't you see her? So he said, "Okay, send her." So Balchandar sir told me, "Mani sir, or the office kupo. He wants to meet you." Me and my father we go and sit in Mani sir's office. He doesn't. I didn't even know that I was doing an audition. They did a long choti on me. They Suhasini. Read a scene with me. Next. Mani sir's wife. Yes, she read the scene with me, and I'm Roja. That's how it happened to me. My God, man, just life happened to you. Life always happens. I don't know whether it, how people see, Ji. but for me, life always happened. One day I decided, God, now I'm getting older. I want to get married. From nowhere, my husband came in front of me. Yeah. Yeah. It's it's like that. ट टू दैट ऑल्सो पर उससे पहले चलता हूँ अरविंद स्वामी क्या आपने उनके साथ बहुत सॉलिड बॉन्ड स्टेब्लिश किया था क्योंकि आपने कहा कि फूल और कांटे के दौरान अजय और आप फ्रेशर्स थे पर उतना सॉलिड बॉन्ड नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ यू नो फोकस अलग था शायद फोकस दोस्ती पे नहीं थी उस वक्त और आई uh, वॉज ही वॉज अ रिलैक्स पर्सन वो अपने कंफर्ट में थे hmm. वीरू जी ये वो मुझे अबाउट इट मुझे ऐसा लग रहा कि मैं अपने आप को प्रूव करने में थी कि मैं फ्रेंडली विद एनी बड़ी इट्स फनी ऑन दैट सेट आई वॉज फ्रेंडली बट आई डेंट बिकम फ्रेंड्स विद एनी क्योंकि शायद उस वक्त आपके दिमाग में था मुझे ये करना है रॉक करना है that's all that और मुझे ये नहीं सुनना था कि एंड कुकू जी वॉज़ अमेजिंग पता है क्यों मैंने बाद में जैसे जैसे एक्सपीरियंस किया मुझे जब लोग बहुत ज़्यादा सिखाते हैं मैं बहुत कम परफॉर्म करने लगती हूँ मुझे वैसे डायरेक्टर अच्छे लगते हैं जो मुझे फ्री हैंड दे देते हैं एंड कुकू जी बाई नेचर ही नेवर टॉट मी इवन दो आई वॉज़ अव कमर उन्होंने कभी आके मुझसे ये बात नहीं कही कि उन्होंने कहा होगा कि थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कम करते हैं ज़्यादा करते हैं पर उन्होंने मुझे सिखाया नहीं सो so, जो जो मेरे माइंड में था जैसे जैसे मैंने किया उन्होंने उसको ओके okay किया सो आई वॉज अ लॉर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आई फेल्ट नॉट लाइक अ इन फोर कंट्री आई फेल्ट आई एम एन एक्टर बॉर्न एक्टर दैट्स फीलिंग आई केम तो उस वक्त uh, किसी के साथ भी मैंने उस वक्त आई डोंट थिंक आई बिकेम क्लोज टू एनी बड़ी ऑन द सेट पर अरविंद स्वामी के साथ वैसे hmm. ही था आपका अप्रोच क्या आप थोड़ी रिलैक्स थी तब मैं रिलैक्स थी बिकॉज यू नो मैं बिना माइंड के मैं काम करती हूँ

मैं आई वॉज बिहेविंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑन द स्केल इन माई करियर द फर्स्ट टाइम पीपल थॉट आई वॉज वेरी एरगेंट यू नो इंटरव्यू जब लोग करने आते थे मुझे याद है फिल्म फेयर की कोई एक एडिटर या जर्नलिस्ट था उस वक्त उसने कहा अगर मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू करना चाहूँ तो मिल जाए तुम नहीं मिलती बिकॉज माई एटीट्यूड वर्ज मैं बिजी हूँ आई वॉज वेरी फोकस्ड ऑन पार्टी लाइफ एक्टिंग एंड पार्टी तो उसके बीच में अगर कोई मेरा टाइम लेने आए तो आईव से दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट आई नेवर रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजिंग विद फिल्म फिटर्निटी गिविंग इंटरव्यूज आई नेवर ऑल दैट वॉज इम्पॉर्टेंट सो आई हैव दैट कॉन्फिडेंस सो यू आर आस्किंग मी अबाउट अरविंद स्वामी एंड माई बॉन्ड वैन आई केम टू डू रोजा आई डेंट फील इंटिमिडेटेड बाई मनी सरसनैलिटी परसोना इमेज आई डेंट फील इंटिमिडेटेड बाई एनी बडी इवन वेन आई वर्क विद के भालर सर इन माई फर्स्ट फिल्म I, I was not scared of that personality, I was just loose. So, by the time I was working with Ji, I was very like, you know, I am a good actor, we will act. And he is an intellectual. And for him, it was almost the first film. Uske pele ununesh the Tamil version of dayawan, he did that. After that, he was doing Roja. So, Roja was almost like the first film for him.

उन दिनों में दे वॉज नो होटल्स एंड ऑल दैट तो हम लोग सब पूरी यूनिट एक लॉज में हम लोग रहते थे और अगर फ़ोन करना हो दे वज नो फोन्स फ़ोन करना हो तो मार्केट में जाके कर एस करना था एंड आई wanted टू बी इन टच विद बॉम्बे सो एवरी डे एवरी अदर डे आई wanted टू गो टू द मार्केट एंड ही wanted टू गो टू द मार्केट तो हम दोनों और जो भी हमारे साथ कभी असिस्टेंट डायरेक्टर कभी स्टाफ हम सब मिलके ग्रुप बनाके walk वॉक करके मार्केट में जाके फ़ोन करके

Check out the merchandise. Purchase it. Price both reasonable hair, and the clothes are very easy and comfortable to wear. Angar Machao. After that, Arvind health issues He went through a lot of personal turmoil. Arvind Swami. At that time, you बिल्कुल मैं जब मैंने इंडस्ट्री को छोड़ा उस वक्त एक कॉन्शियस डिसीजन के साथ छोड़ा था कि मैं इंडस्ट्री से अब दूर रहूँगी एंड आई गो इन टू माई अदर लाइफ सो आई जस्ट वॉज इंट इन टच विथ एनीबडी आई एम नॉट दैट वॉज अ राइट थिंग बट दैट वॉज हाउ इट वॉज सो आई वॉज आई रेड अबाउट इट कि उनके साथ क्या हो रहा है बट आई वॉज नॉट इन टच विध रिग्रेट करती है मैं रिग्रेट इसलिए करती हूँ बिकॉज एज अ पर्सन आई हैव ग्रोन अप टू बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन

एंड फन टाइम्स थे उनके साथ मैं टच में नहीं रही जिनके साथ अच्छा नहीं था वो ठीक है पर जिनके साथ रैपो अच्छा था केमिस्ट्री थी फ्रेंडशिप थी उनके साथ भी मैं टच में नहीं रही आई डोंट लाइक दैट आई वॉज आउट ऑफ मैनी पीपल्स लाइफ सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दैट वाहन इज द बेस्ट रियलाइजेशन राइट इंडिया पैन इंडिया फिल्म roja was india's first pan film right to ajmal about pan india films pan india films it was the first pan india film what did roja mean to you roja didn't mean anything to me when i worked in it even when it became a hit it meant less hmm. it's a hit in an artist's life i've got a hit you know at that time, by god's grace, i had many hits. gentleman was a big hit. anaya was a big hit. yoda was a big hit. wherever i went, whichever state i worked, it was. i was only feeling hit, hit, hit. people were calling me and saying, isko, just credit ke liye, guest appearance ke liye le lete hai, because she's lucky. i enjoyed even that lucky uh, tag. so at that time, it was another great hit film and people said, wow, and all that. In fact, it started irritating me after two three years because. Roja, आपको irritate कर रहा था. मैं बताऊँ इसलिए क्योंकि Roja after two three years मैंने बहुत सारी फिल्में की यशवंत की पहचान किया एलान uh, I did and many other films which I was very proud of और films release होती थी with Akshay Kumar with uh, Nana Patekar with Govinda lovely songs in that हथकड़ी I really enjoyed my work. लेकिन फिर भी लोग या जर्नलिस्ट या पब्लिक दोनों मेरे साथ सिर्फ उसी एक फिल्म के बारे में पूछते थे और उसी एक फिल्म को लेके मुझे रिकग्नाइज़ करते थे ट्रैफिक लाइफ में भी लोग वाह दीदी रोजा देखा दे वुड डू दैट इंस्टेड ऑफ़ टेकिंग जॉय एंड प्लेजर आई एम लाइक आई जस्ट रिलीज दैट फिल्म अभी मेरी वो फिल्म रिलीज हुई है थिएटर में है अब उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो सो इट इट्सटार्टड बगिंग मी दैट आई एम डूइंग सो मच वर्क बट स्टिल पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली वन फिल्म

जब हम कहते हैं हमारे इंडस्ट्री में फ्राइडे टू फ्राइडे वो हमेशा बोलते हैं अगर हिट है तो बहुत बड़ी हिट है सब लोग अगर नज़र नहीं आए तो आपको लोग भूल जाते हैं ऐसी इंडस्ट्री में और ऐसे दुनिया में थर्टी ईयर्स के बाद में मैं एयरपोर्ट में जाती हूँ या पब्लिक में जाती हूँ तो लोग दो फिल्म के बारे में बात करते हैं रोजा एंड फुल और काटी एंड रोजा ऑफकोर्स इट्स एपिक सो आई फील यार एक फिल्म में अगर वो नाम कमाया तो भी क्या कमाया तीस साल के बाद भी पंद्रह साल बिल्कुल ही बाहर रहने के बाद भी अगर लोग मेरे साथ बात करना चाह रहे हैं फोटो लेना चाह रहे हैं आई जस्ट हैव बिकम सो ग्रेटफुल एंड सो हम्बुल आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ आई एम दी ओनली रोजा लोग पूछते हैं अगर रोजा टू बने तो आप किसको मतलब कौन आपको लगता है आई सर देर इज़ ओनली वन रोजा एंड दट्स मी बिकॉज दैट इज माई लाइफ पर मणि रत्नम सर के साथ आपने इरुवर में भी काम किया था राहुल yeah. जो ऐश्वर्या yeah. राय की लॉन्च फिल्म थी उसके बाद आपने ज्यादा काम क्यों नहीं किया मणि रत्नम के साथ क्योंकि बड़ा परफॉर्मेंस आपने रोजा में दिया आपकी सिम्प्लीसिटी पानी कूट-कूट के बाहर आ रही थी यू सेट इन आर हार्ट्स विद योर सिम्प्लीसिटी राइट वो बॉन्ड वो रिलेशनशिप एज़ प्रोफेशनल्स डायरेक्टर एक्ट्रेस क्यूने और सॉलिड हो पाया आई डोंट नो मनी सर ने दूसरे आर्टिस्ट के साथ शायद वो बॉन्ड फील किया होगा मैंने कई बार उनको रीच आउट मैसेज देने की कोशिश की एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज़ लाइक जैसे मैंने कहा था उस वक्त मैंने किसी को गॉड नहीं माना था नॉट इवन बालचंद्र सर आई डेंट थिंक मनी सर डिड मी एनी फेवर यू नो आई वॉज वेरी लाइक मनी सर इज़ अ डायरेक्टर ही फाउंड इज़ रोजा एंड आई जस्ट हैपन टू बी हिज़ रोजा उसमें स्पेशल बात क्या है दिस वॉज माई थोड़ी घमंडी हो गई थी आप। यू नो इट केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पेन आप जो कह रहे हो ना सिंपल हूं सिंपल थी पर वो सिंपलिसिटी में जो मैंने पेन सहन किया होगा उस वक्त आई एम थिंकिंग यू नो आप भी सोचो तो वहां से सक्सेस पाने के लिए एक पर्सनैलिटी क्रिएट करने की जरूरत थी शायद उस वक्त तो आई कि किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया मुझे वो फील उस वक्त ये था कि किसी ने भी आ, मुझे हेल्प नहीं किया मेरे करियर में जो मेरे मेकअप से लेके मेरे परफॉर्मेंस से लेके मैंने अपने आप को देख के ओ गॉड इतनी ख़राब लगी हूँ मैं यहाँ पे इतना ख़राब हो गया ये मेरे ड्रेस एकदम कॉस्ट्यूम इतना ख़राब है पिक्चर रिलीज़ होने के बाद उस वक्त मॉनिटर्स नहीं थे सपोर्ट नहीं था कुछ नहीं था अलग अलग ग्रुप्स नहीं थे आपको हेल्प करने के लिए तो मेरी पूरी ट्रेनिंग फिल्म के ऊपर हुई है फिल्म करने से पहले नहीं फिल्म वन फिल्म टू फिल्म थ्री ओह इसमें मेकअप बेटर हुआ आफ्टर अ होल फिल्म यू नो सो दे वॉज दैट एलिमेंट ऑफ आई आई डिड इट ऑल आई हैिव क्रेडिट टू एनी बडी तो क्या उस वजह से क्या आपको लगा कि शायद पीपल गॉट पिस्ट ऑफ आई बिकॉज मनी सर डिजर्व द क्रेडिट यू नो

कौन से फेज में आपने रियलाइज किया है? एक इंटरव्यू आया था तो मेरा उस वक्त एक बहुत ही पॉपुलर मैगजीन में और उसमें मैंने ये सेंटेंस मैंने उस वक्त कहा था कि यू नो नोबडी मेक्स अ फिल्म समबड़ी आई डोंट नो व्हाट वाज अ क्वेश्चन समवन आस्क्ड आस्ट मी और ही मेड यू अ स्टार और समथिंग समथिंग लाइक दैट सो आई सेड नो वन मेक्स अ फिल्म टू मेक एनीबडी अ स्टार आई फिट इन द रोल So if someone chooses me, Money Sir did not make the film to make me a star. Money Sir has made this amazing film and I happened to be in it and I worked, it clicked. I think, and the journalist and the headline they carried was this was my, my whole sentence. My whole sentence was Money Sir did not make this film to make me a star. He made a film, he chose me in it and I, I did well and I have become a star. Nobody makes a film to make somebody else a star. something like that I said, the headline in the black block print was money sir did not make me a star or something like that. Even when I saw it I said eeks I didn't say this yaar, I never said this. और मैं कहूँ जितना भी हम लोग industry में हैं ना और जितना भी हमें मालूम है कि media कैसे twist कर सकती है कैसे हमारे interview हम खुद ही हम जानते हैं हमारे साथ हुआ है फिर भी अगर कल मैं देखूं कि सिद्धार्थ ने मेरे बारे में कुछ कहा और वो हेडलाइन में है एक मिनट मैं आपको वो नहीं दूंगी बेनिफिट ऑफ द डाउट इम्पॉसिबल वो ऐसे मीन कर सकते हैं मैं वो देखूंगी रियली आई हैड दिस वंडरफुल इंटरव्यू विथ हिम डिड ही रियली से दिस हैदम आई डोंट सी फेस वो एक बार तो मेरे माइंड में आएगा ही तो इट्स यू नो सो आई थिंक माई एटीट्यूड which is very innocent, which was very innocent and simple. i was a very simple girl who acted out of my anger, who acted out of my pain, who acted out of my insecurity and created a wall that said, i don't know if i can say this word, but something like, i am me, kornay, kisney, help that was my attitude and that pissed off people. as a result, i didn't make that very good bonds. so i was not repeated in many films. Oh, wow. आपने कहा आपका चाइल्डहुड स्कार्ड था कहीं पे मैंने। खुद के वजह से आई हैड द बेस्ट फादर एंड बेस्ट फ्रेंड्स एंड ऑल ओके बट मेरा जो सेल्फ इमेज और सेल्फ स्टीम था दैट इज वाई सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ इमेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी ह्यूमन बींग अगर आप खुद से प्यार करते हो और खुद को नॉट ग्रेट नहीं समझना चाहिए बट खुद को ओके आई एम ओके द वे आई एम If you have that, the world is okay around you. Today, the way the world is with me is not because I am somebody great, but I am okay wherever I am. I am okay, everybody is okay with me. And that was what not there. I was not okay. So, I was forcing, uh, I am, meh, full or kante, roja, who helped me. You know, that was actually a protection for a very simple uh, child.

Very emotional, right? And made friends used to hurt me because I was loud, I was over the top, and they made me feel shit about myself. But when I look back, that was God's biggest gift to me. God's biggest gift was because I could meet an MD and say anything, and be nice and be confident. I started suppressing that, and I developed a lot of defense mechanisms also, uh, where I said, "Ye bola, kaise bol sakte ho? You know. Because I was made to feel little of who I was and now what I thought was little I'm very, very proud of. But life teaches you yeah. after a long, long time, wo immediately niyata. Yeah. So I understood that it was a very simple girl who was just ek war make armor hota hai. Yeah. you know. Main Vanga se baat kar tha. And I'm not I like the film, okay? I'm not gonna get into a discussion.

10 साल की उम्र में यू लॉस्ट या और आज भी करती हूँ बिकॉज़ माय मदर्स ड्रीम इज व्हाट आई लिव्ड या या डू यू टॉक टू योर मॉम एट टाइम्स ऑल एवरीडे यू विश कि शायद वो आपके बगल में रहती है आपको बस गाइड करने के लिए क्योंकि आपके पास कोई तो था नहीं राइट ऑफ कोर्स शी डिड आई विल टेल यू मुझे लगा ड्रिंक करने से मैं एक्सेप्ट हो जाऊंगी सर्कल्स में सो आई यूज़ टू ड्रिंक टू बी कूल और यंग लड़की जो इसके पास कोई डिफेंस नहीं है ड्रिंक कर रही है रॉन्ग सर्कल में है बाय गॉड्स ग्रेस आज तक एक रॉन्ग इवेंट मैं ऐसे इंडस्ट्री में अकेली मैंने काम किया एक रॉन्ग पर्सन या एक रॉन्ग इवेंट मेरे साथ नहीं हुआ और मैं जब सोचती हूँ मैं ऐसे सिचुएशन में थी यार बट आई एम अनस्केच्ड हाउ और जो जो मैंने ड्रीम किया जो जो मैंने चाहा वो सब होता गया आई मीन आई डोंट आई डोंट वांट टू जिंक इट विद ऑल ग्रैटिट्यूड वो कैसे हुआ मुझे मालूम है किसको फोन करना है मुझे मालूम था कि बालचंद्र कौन है मुझे मालूम था कि कुकू कोहली कोई स्काउट कर रहा है मुझे ये मालूम था कि मनी रत्नम रोजा के लिए किसी को देख रहा है मुझे कुछ नहीं मालूम था मुझे मालूम था कि आनंद शाह से मुझे शादी करनी है इंडस्ट्रियलिस्ट डिड आई नो एनी थिंग आई डेंट नोट डेम शेयर इन माई लाइफ and yet my, i'm living the most glorious life. every dream of mine is fulfilled. how? my mother. and now another angel. my father. my father and my mother are sitting on my right and left. ah, not here. go here. they have my protection. i am god's child. because i don't have anybody here looking after me. i am looked after by something i can't see and every aspect of my dream is fulfilled siddharth i wanted to act again i have no pr but i am in the movies now i just released sweet karam coffee with great reviews people are saying you are a fabulous actress who got me sweet karam coffee i just had a dream i want to do so there is something going on around me and because i sense that because i can't explain i walk with my head down कोई भी मुझसे कहीं भी फोटो पूछता है मैं खड़े होके दे देती हूँ ना नहीं बोलती मेरे बोलते है so आपको मालूम था कि आप सब खुद कर रही है राइट अभी आप देखो कि कोई एक्ट्रेस है, होते हैं उनको एग्जैक्टली exactly मालूम होता है जब ये सारे लोग आपके साथ काम करे थे आप हिट्स दे रही थी किसी के साथ आप अपनी वनडरेबिलिटी शेयर नहीं कर पाई जिनको आप बोल सकती थी कि यू नो वाट आप सोच रहे हो कि मैं एरेगेंट हूँ ये हूँ मैं बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ आपने किसी को रीच आउट नहीं किया नहीं मैंने मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि मैं अरेगेंट हूँ और मैंने ये भी रियलाइज नहीं किया था कि मैं ये प्ले आउट कर रही हूँ या डिफ़ेंस कर रही हूँ ये सब मुझे रियलाइज है मैं हाइंडसाइट में मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में और आज भी अपने बारे में जब मेरी लड़ाई होती है मेरे हस्बैंड के साथ कभी कभी किसी को उस उनको समझ में नहीं आता है मुझे भी ये समझ में नहीं आता बाद में कि ये आर्ग्यूमेंट जो हुआ इतने हाई टेम्पर में वॉट वॉज द एक्चुअल क्रक्स वो तो था ही नहीं कुछ देन आई रियलाइज ये तो कुछ और ही था वो क्या था वो कुछ और इशू था कुछ और फियर था कुछ और इन्सिक्योरिटी थी जो इस वक्त ऐसे निकल गई सो आई एम आईव बिकम अ वेरी वॉट यू कॉल दैट पर्सन सेल्फ aware aware or realizing or and I learned my lesson and I go back and say sorry it was you know I think I was wrong in saying all that so I am realizing that I did all that at that time because maybe at that time people thought I was arrogant I didn't know I was arrogant I never knew that my behavior was pissing people off when you your husband your would be husband mother-in-law wild child a wild what were the wild things you were doing Um, उन दिनों ऐसा था कि ड्रिंक्स तो सभी करते थे आर्टिस्ट आर्टिस, एक्टर्स आर्टिस, आर्टिस, पर सब क्लोज डोर्स में करते थे बाहर आते थे तो साड़ी पहन के अपनी अम्मा के साथ यू नो दे वॉज इमेज दैट एक्ट्रेस इमेज इट वॉज इट वॉज वॉट एवर वर्कस यू नो जो भी अपने हमारी जो बिलीफ सिस्टम है उसके मतलब हिसाब से लोग बिहेव करते हैं आई फाउंड कि मैं ड्रिंक करती हूँ मैं यंग हूँ ट्वेंटी की हूँ ट्वेंटी टू की हूँ ट्वेंटी थ्री की हूँ आई वॉन्ट टू गो डो अट क्लब आपके बेडरूम में मुझे नहीं पीना है मुझे म्यूजिक में पीना है तो आई यूश टू गो टू आर जीज साइक्लॉन एंड जितने जितने नाइट क्लब्स मुंबई में थे उस वक्त जे फोर नाइन आई यूस टू ड्रिंक नॉट केयरिंग दैट पब्लिक इज़ वॉचिंग मी एंड ड्रिंक एंड फील हाई एंड डांस ऑन द डांस फ्लोर दिस वॉज माई पब्लिक इमेज दैट शी इज़ अ वाइल्ड गर्ल और मैंने क्या किया पर वो करना पब्लिक के सामने वो ही बहुत ही वाइल्ड इमेज था इट्स कॉन्ट्रेरी टू यू नो वॉट पीपल वॉन्ट फॉर फॉर देयर डॉटर्स और डॉटर्स इन लॉस बट आई लिव माई लाइफ इन ऑल ऑनेस्टी एंड टूडे आई डोंट ड्रिंक सो आई डोंट ड्रिंक आई डोंट ड्रिंक इन क्लोज डोर्स आई डोंट ड्रिंक इन ओपन डोर्स सो आई लिव माई लाइफ ऑनेस्टली तो जब आप ये सो so कॉल्ड बिंदास होके ड्रिंक करके, ड्रिंक करके डांस फॉर में पार्टी करती थी लोग जजमेंट्स पास करने लगे फिल्म इंडस्ट्री से कि यार ये तो वाइल्ड चाइल्ड है इसको एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है शी इज नॉट सीरियस ये सब चीज़ें नहीं आई डोंट थिंक मैं आई वाज कंसीडर्ड वेरी प्रोफेशनल आज तक मैं कभी लेट नहीं हुई क्योंकि मेरे पापा प्रोड्यूसर रहे हैं और उनके एक्टर्स उनको बेचारे इतना वेट कराते थे आई हैव सीन माय फादर क्राइंग उन्होंने अपना घर वर यू नो आई हैव सीन दैट पेन एंड आई न्यू दैट नो प्रोड्यूसर विल क्राई बिकॉज ऑफ मी Whether I've had a party night, whatever night, tell me one person from any any era or any movie ke madhu ke wajah se aaj shooting start nahi hua ya late hua never. But perceptions to hue honge right? That's why. उन्होंने सोचा होगा party करती है, party करने जा रही है, या party से आ रही है, जो भी सोचे होंगे, I, I didn't care. I was there at work and did the best between action and cut. I was always honest. I'm always honest. You had your share of relationships, be right? Did you? Yeah, she did nothing to talk about. But yeah, I was that person, right? I was acting out, a lot of pain. So I tried what will make me happy. You know, so you try what will make maybe relationship, maybe alcohol, maybe dancing, uh, maybe being rude. You were rude to me, na? You stand in the corner, I'm in the middle of the party. You know, it's all that, you know, you do all that at twenties. What do you expect, Sid? I'm even honest to admit, I'm not behaving like I never did all that. No, but I admire I really mean that. It takes a lot of courage to be so open about who you are, right? Who I was. And yeah. If, because who I am. Is not at all that anymore. There are a lot of people ask who they were. okay? So it requires courage to talk about who I am and who I was. Hello, my Dosto. My Angar merchandise launch been Angar Yaniki fire, power from within. T shirts, hoodies, sweatshirts, jumpsuits, bags, mugs, sub available at angar.store Link is in our description mein bhi. So, check out the merchandise, purchase it Price is very reasonable hai, And the clothes are very easy and comfortable to wear Angar, Machao! Uh, then Anand? आनंद ने मेरी वो फिल्म देखी दिल जले सिंगापुर में एंड oh. uh, उनको मैं बहुत पसंद आई फिल्म में कैरेक्टर बहुत पसंद आया एंड वो आए बॉम्बे सिंगापुर से एंड उनका जो उस वक्त बेस्ट फ्रेंड था वो था एंडी बलराज एंड ही इज़ एन एक्टर और एंडी के साथ मैं आई वाज वर्किंग जैकी श्रॉफ जैकी दा मैं एंडी एक फिल्म कर रहे थे उस वक्त हफ्ता वसूली तो डे टाइम हम लोग सॉन्ग कर रहे थे फिल्मिस्तान फिल्म सिटी बैरा और रात को एंडी वॉज हैविंग डिनर विथ आनंद सो बात करी होगी उन्होंने आज कहा mm. था मैं शूट कर रहा था क्या कर रहे थे ये थी अच्छा वो मधु दिल जले गर्ल नॉट रोजा आनंद डिड नॉट सी रोजा ही केम टू मी आफ्टर दिल जले सो so, ही he, 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 yeah. he, oh, like he said to him I believe बिलीव I don't want to go and meet her like a fan ओह मैंने आपकी फ़िल्म देखी मुझे आप ही इस आई वॉन्ट टू एम्प्लॉय हर और बुक हर फॉर माई कंपनी टू डू एन एड फॉर माई कंपनी सो एंडी केम विद द एड प्रपोजल वर्क सो आई सेड एंडी नेक्स्ट डे आई सेड एंडी माई फादर इज देर प्लीज टॉक टू हिम इज माई मैनेजर फादर रेम्यूनोरेशन डेट्स बात कर लीजिए तो वो सारी बात हुई हम बाली गए बाली में शूट का वो एड का सब तय हुआ था एंड मैंने जाने से पहले एक हफ्ते पहले मैंने एंडी से कहा कि मैं जा किसके लिए रही हूँ यू नो हु इज़ द पर्सन फॉर हुम आई एम गोन शूट कंपनी के किसी से तो मिला हो मैं आपसे बात कर रही हूँ हमने सब डिज़ाइनर मेकअप मैन सब सब कुछ फिक्स हो गया बट फॉर वाट हु सो यू सेड ओके यू मीट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्रोपराइटर डायरेक्टर वॉट एवर आनंद शाह एंड देन लीला होटल में उन्होंने डिनर रखा सो मैं मेरे पापा आनंद और एंडी दस मिनट हमने ये प्रोजेक्ट के बारे में बात की एंड देन वी वी वो जस्ट टॉकिंग अबाउट ओ यू हैव अ ब्रदर ओ यू हैव अ ब्रदर वी यू जस्ट टॉकिंग एंड देन दैट टाइम एंडी एंड माई डैड वो दैर आफ्टर द डिनर टू डेज़ लेटर आनंद से इज वी हैव वन मोर डिनर बिफोर गोइंग टू बाली आई सीट श्योर सो वी मैटर दी एल्फ्रेस्को नियर हॉलीडे ओपन एयर वी हैड वन डिनर वी वेंट टू बाली Bali, I love moonlight walks, so and my dad is vegetarian and uh, he was very careful about my father's food, uncle, un and I saw, uh, you know, attention there, so I was very impressed because you know, I never met anybody who gave that much importance to my father, but he was looking after my father's uh, food. And then we went for a walk, uh, then we went to hard rock cafe and we heard some great music. And then I said, wow, it's a moon now today. And we were on the beach, right? Uh, so we, I said, I love to walk on the beach under the moon. So we walked. And, um, you know, he was just uh, being a little flirtatious. So I said, you know, I'm not ready for any f flirting thing. I have crossed all that, uh, you know. So he said, marry me. I said, okay. But I say, how many meetings have you बाली के जाने से पहले दो तीन बार मिले थे दो बार मिले थे फिर बाली में बीच एंड जस्ट यू नो लिटिल फ्रेंडली आई सेन इंस्टेंट सिट फ्रॉम द हार्ट इट केम येस देन एज सुन एज आई लैंडेड इन बॉम्बेक बिगेस्ट मिस्टेक Because at that time, you know, I had Ji. situations in Bombay. I had friendships and relationships in Bombay. What did I do? Like I was it was like ja relationship, money, boyfriends ki. You know, just you know, interest. Ji. I didn't have any steady and all that, but just interest, I'm, I, I was very scared. Like did I say yes to marriage? Did I say yes to be a steady? I didn't I didn't realise that moment just happened. जब मैं वापस आई तो मुझे ये आ, फील हुआ कि के, के मैंने क्या कर दिया मैंने ये सही कहा कैसे एकदम झट से मैंने हाँ कर दी पर यहाँ पे मेरी पूरी सिचुएशन है वर्क कमिटमेंट्स हैं और यू नो फ्रेंडशिप्स हैं आई डोंट इवन नो दिस पर्सन उसने कहा विल गेट गेट मैरिड मैरी मी आई सेड हाँ तो मुझे बहुत डाउट्स आ गए तो मैं फिर पीछे हट गई फिर आ, फोन कर करके यू नो मिलना हुआ बहुत बार मिले हम एंड ऑल दैट एंड देन आई फेल्ट कि ये बहुत ही अच्छा uh, लड़का है क्योंकि मैं सारे जो जिनको मैं मिली थी उसके पहले मुझे वो बहुत uh, वो क्या बोलते हैं रोमांटिक और ब्यूटिफुल तो लगे थे लेकिन दिस पर्सन इसको कुछ भी नहीं आता था कि रोस देना चाहिए या ऐसे बात करनी चाहिए या ऐसे बट ही वो सो ट्रू ही सच अ फैमिली पर्सन ट्रू तो मुझे लगा यू you नो know, ये सब फिल्मी है फिल्म में काम करते हैं और फिल्म के बाहर भी वैसे एक्सप्रेस करते हैं और ये जो है बिल्कुल ही नॉन फिल्मी है तो उसको वो रोमांस ये सब बिल्कुल नहीं आता लेकिन ही इज़ रियल एंड आई स्टार्टेड लीनिंग टूवर्ड्स इट फिर भी मैं डिसाइडेड नहीं थी uh, और एक दिन पापा आए पापा बोले कि एक uh, रिश्ता आया है और हमें जाना है साउथ में uh, उनको मिलना है आई सर नाउ माय डैड इज गेटिंग सीरियस आई बेटर स्टॉप हिम एंड आई सर अपा आई वॉन्ट टू मैरी हिम ही इज़ आज मी टू मैरी हिम Then, अच्छा देन माई फादर सेट ये कौन है मतलब माई फादर न्यू आनंद पर शादी करोगी तुम इससे पर तुम्हें मालूम है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है कहाँ पर कौन से कहाँ पर पढ़ाई की और बिजनेस क्या है बिजनेस है पर क्या बिजनेस है एंड माई फादर सेड नहीं बोलना चाहिए यार सीरियस हो माई फादर इट्स नॉट अ गुड थिंग टू से बट वॉट माई फादर सेट वॉज फॉर ऑल यू नो ही कुड बी अ फ्रंट मैन फॉर यू नो द

पहले कहा था वाइल्ड गर्ल मम्मी ने कहा था यू you नो know, उन्होंने भी बात सुनी थी मेरे बारे में तो फिर आनंद ने कहा नहीं वेरी नाइस nice. मैंने अपने पापा से कहा पापा इज़ वेजिटेरियन पापा खुश वेजिटेरियन तो फिर मीटिंग हुआ पेरेंट्स हम मैं माय फादर एंड मेरा भाई चिंपू हम तीनों आनंद के घर गए उनके पापा मम्मी और ब्रदर थे और uh, उनके डैड जो हैं जो आज मैं डैड बोलती हूँ वो बहुत ही इंट्यूटिव हैं उन्होंने मुझे देखा मेरे भाई को देखा मेरे पापा को देखा एंड ही सेड वी जस्ट न्यू हु यू आर फॉरगेट द मैगजीन फॉरगेट द रेपन फॉरगेट द टॉक्स आई नो हु यू आर एंड पापा टेल्स मी जब मैंने तुम्हारे भाई को देखा मैंने तुम्हारे लिए हाँ कर दी तुमसे ज़्यादा मुझे तुम्हारा भाई पसंद आ गया सो दैट इज़ हाउ आर फैमिली मैटर और आप नहीं मम्मी को मैंने मदर इन लॉ को कन्विंस कैसे किया फाइनली क्योंकि फादर इन लॉ ने बोल दिया हाँ तो मॉम इन लॉ कन्विंस थी अगर मैं एक चीज कहूं आउट ऑफ नेचर अगर थोड़ा सा ये एरोगेंट लगे आपको तो मुझे माफ कर देना लेकिन ये है नोबडी सेज नो टू मी वाई नॉट वाई नॉट आई बिलीव दैट बट आई i accept that with grace and not with arrogance okay please मुझे माफ कर दो no 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 but मैं कहता हूं सेल्फ लव भी बहुत जरूरी होता है सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ लव अगर आप खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे यार अल्टीमेटली यू आर योर बेस्ट फ्रेंड यू आर योर बेस्ट फ्रेंड i here. i believe that i'm the only one who knows जी. when i cry मैं मैं ही हूं जो मैं जानती हूं जब मैं कब रोती हूं कब जगती हूं कब हंसती हूं और क्या फील करती हूं मैं जितना सेल्फ डाउट फील करती हूँ ना उतना सर उठा के लोगों के सामने चलती हूँ मैंने सोचा मैं ये जानती हूँ ये समझती हूँ कि माइंड बॉडी कनेक्शन कभी कभी जब माइंड और हार्ट अगर ठीक फील नहीं करे बॉडी को अगर उठा लो ना दुनिया ठीक लगती है और कभी कभी इन द अदर वे ऑल्सो वर्क्स द माइंड लिव्स यू आप समाइम्स द बॉडी लिव्स यू आप बीमार हो आज मूड नहीं है नहीं माइंड सेज कमान यू कैन डू इट and and you can do it and sometimes when the mind gives up main aaj lag rahi uh, kia, ye kia. My, my body says stop thinking stand straight so that's me आपने कहा आप मैरिज फारैट इज ऑफकोर्स जस्ट यस्टे कल की बात है कि हमने 25 फाइव इन ऑफ मैरिज सेलिब्रेट किया थैंक यू वेरी मच और uh, मेरे दोस्तों बहुत हमने बहुत बड़ी पार्टी वार्टी नहीं की बट एक छोटे से ग्रुप के साथ डिनर किया तो वहाँ पे उन्होंने कहा स्पीच टाइम स्पीच टाइम तो पता है मैंने क्या कहा ही इज़ सो नॉट परफेक्ट आई वॉन्ट टू किल हिम सो मनी टाइम्स और मैंने ये कहा कि मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि ही इज़ नॉट परफेक्ट लेकिन 25 साल में मुझे ये पता चला कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ और मैं उनको हर बार बता देती हूँ कि कब वो परफेक्ट नहीं है लेकिन उन्होंने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि मैं परफेक्ट उनके लिए नहीं हूँ आई नेवर फील लेस और इनएडक्ट विथ वन पर्सन इन दिस प्लान एंड दैट इज़ माई हस्बैंड एंड ही इज़ नॉट परफेक्ट आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम मैं उनके लिए नहीं कहूँगी अपने लिए ज़रूर कहूँगी आई एम परफेक्टली हैप्पी God bless. Here's to 25 years more, 50 साल more. आपने इंडस्ट्री छोड़ा क्यों क्योंकि 10 साल मैंने काम किया था 90-91 से 99 तक यू नो एंड बहुत काम किया और एक टाइम ऐसा आया स्पेशली 97 के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत अच्छे रोल्स करने चाहिए और उस वक्त सब एक्शन फिल्म्स बन रही थी अजय सुनील शेट्टी अक्षय कुमार इट वाज ऑल एक्शन और एक्शन के अंदर हम फिट होते थे एंड आई हैड ऑलरेडी डन फिल्म्स लाइक योद्धा अनया रोजा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे और डिफरेंट एक्सप्लोर करना चाहिए जो हो नहीं रहा था आप प्रॉप नहीं बनना चाहती थी फिल्म में हाँ मुझे वो फील आने लगी कि मुझे वो सही फिल्म्स नहीं आ रहे मिल रहे रोल्स नहीं बन रहे और उस वक्त ही ऐसा था 2000 के बाद फिल्म इंडस्ट्री चेंज हो गई यू नो फिल्म लाइक जुबैदा अस्तित्व दे ऑल गॉट मेड लिटल आफ्टर आई लेफ्ट वो जो 99 तक जो था वो अलग था पीरियड एंड आई स्टार्ट फीलिंग डिसकंटेंट विथ माई वर्क जब मैं कमालिस्तान जाती थी और वहाँ बोर्ड लगा देते थे कुलु मनाली या शिमला तो मुझे बहुत इरीटेट होता था मुझे ऐसा लगता था ये इतना ऑथेंटिक नहीं है आप फिल्म सिटी को आप कश्मीर दिखा रहे हो ची वो फॉग लगा के आई फील वी आर नॉट मेकिंग रियल मूवीज़ मुझे वो फीलिंग बहुत आने लगी तो जब मेरे पापा कहते थे कि आज कमलस्तान जाना है फिल्म स्तान जाना है आई यू नो जो चीज़ से मुझे एक्साइटमेंट होती थी आज शूट में जाना है आई स्टार्ट गॉड आज शूट में जाना है वो फीलिंग आने लगा एंड देन आई फेल्ट नाउ आई वॉन्ट टू गेट मैरिड आई विश आई कैन सेटल डाउन वो फीलिंग आने लगी एंड जैसे ही मुझे ऐसा लगा कि आई फाउंड माई पर्सन आई वॉन्ट टू क्विट आई वॉन्टेड टू आई कान डू मैं बहुत सारी चीज़ें मैं मल्टी टास्क करनी हूँ मैं जो चीज़ करती हूँ मैं अपना पूरा लग जाता है उसके अंदर जब मैंने सोचा अब मैं शादी करूंगी आई वॉन्टेड टू बी अदर मोर देन एनी थिंग एल्स इन दर्ल्ड और अभी आपके पास दो क्यूट क्यूट yeah. स्वीट सी बेटियां क्या नाम है उनके अमेया हाँ, एनकेट nice. uh, आपने कहीं कहा था कि इंडस्ट्री डज नॉट डिजर्व अ पर्सन लाइक मी ये yes, सब so, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए था अगर मैंने कहा तो आई एम सॉरी वो मैं कह रही हूँ ना मैंने प्ले आउट किया था डिफेंस था एक एंगर yeah, <laughs> कुछ चीज़ों से एंग्री रही होंगी तभी आपने कहा होगा अब पागल थोड़ी है कि ऐसे ही बोल के चले हर्ट इंडस्ट्री ने कैसे यू नो इट वॉज ऑल्सो पार्टली एरोगेंस कि जैसे मैंने रोजा जैसी फिल्मों के साथ मैंने सक्सेस टेस्ट किया स्पेशली साउथ में मेरे परफॉमेंसेज की बहुत तारीफ हो रही थी मलयालम कन्नड़ा एवरीवेयर हिंदी में भी जैसे फिल्म लाइक यशवंत नाना जी के साथ आई इन्जॉय पहचान जब किसी एक्ट्रेस ने वो रोल एक्सेप्ट नहीं किया मैंने किया एंड आई फेल सो ग्रेट अबाउट इट तो मैं वो फीलिंग ज्यादा महसूस करना चाह रही थी और वो फीलिंग मुझे मिल नहीं रहा था वैसे रोल्स मुझे मिल नहीं रहे थे सो आई सेड यू नो दैट वाज माय स्टाइल अरे ये इंडस्ट्री मुझे डिजर्व नहीं करती मैं आई एम टू गुड फॉर देम यार ये क्या है फिल्म सिटी में खड़ा करते हैं मुझे तो कुछ और करना चाहिए इट डजेंट डिजर्व मी आई हेल्व विद यू अब मैं जाके शादी करके ना मैं अपनी लाइफ बनाती like हूँ आप रवीना के साथ अच्छे दोस्त हो hmm. शिल्पा के साथ अच्छे yeah, दोस्त हो पर yeah, yeah. आपने ये भी कहा कि आई एम नॉट वेरी क्लोज टू एनी ऑफ माई मेल को स्टार्स Any um, uh, एक बार ऐसा था आई वॉज वेरी वेरी आई वॉज वेरी क्लोज टू ऑल माई मेल एक्टर्स और जगपति बाबू चाओ हम कहते हैं वो साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे बेस्ट फ्रेंड तो मेरी शादी के बाद उन्होंने मेरी शादी भी अटेंड की मेरी शादी के बाद जब वो शूटिंग के लिए एक बार बॉम्बे आए वो सी प्रिंसेस होटल में ठहरे थे मैं उनको मिलने गई और वो मेरे दोस्त हैं दोस्त थे और मैं अपने दोस्त को मिलने गई फिर जब मेरे हस्बैंड ने अपना काम ऑफिस ख़त्म करके मुझे फ़ोन किया कहाँ हो मैं यहाँ हूँ किसके साथ हूँ इनके साथ हूँ अकेले हो हाँ ही गॉट अ लिटल अपसेट विथ मी उस वक्त से वो हावल द वर्ल्ड सी कैसे लग रहा है क्या है एंड ऑल दैट तो मुझे लगा कि यू you नो know, मेरे घर में अगर डिस्टर्बेंस होती है किसी चीज़ के वजह से माई लाइफ माई माई हजबेंड माई चिल्ड्रेन माई इन लॉज दे आर माई वर्ल्ड उनको मेरे किसी भी चीज़ से या किसी भी काम से अगर उनको डिस्टर्ब uh, होता है वो मैं नहीं करूँगी तो मैंने अपने पीस के लिए अपने फैमिली के पीस के लिए मैंने वो सब नहीं किया कि जिस किसी को भी कोई इनसेटी या प्रॉब्लम हो तो मैम वेरी क्लोज टू ऑल माई गर्ल फ्रेंड्स एक्ट्रेसेस पर विद द मेल एक्टर्स मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं उनके साथ अकेले में बैठ के कॉफी पी मिल जाते हैं सब आ, किसी ना किसी इवेंट में फंक्शंस में मिलते हैं जप्पी ओपी कर लेते हैं हेलो बोलते हैं wow. उनके साथ क्लोज हो वेरी क्लोज सनी धर्म पाजी, uh, धर्म Bobby. जी नो आई मीट बॉबी पार्टीज में मिल जाते हैं सेम सर्कल है नॉट uh, सनी जी सो so मच एंड धर्म जी वेन एवर वी मीट व ही लवस मी आई लव हिम उन्होंने मुझे स्विमिंग करना सिखाया था क्योंकि ड्रीम गर्ल फिल्म में मैंने एक यू नो ड्रीम गर्ल उनकी फिल्म आई थी हेमा जी ड्रीमोन या एवरी वन उसमें छः सात बच्चे थे उनमें से मैं एक थी और हेमा जी टुकमी भी था टू डिजनी वर्ल्ड एंड धर्म जी यू नो होटल में स्विम करते थे तो आई आई वॉज अ लिटल गर्ल फाइव सिक्स ईयर्स ओल्ड

ईशा के बारे में हम लोग ने सब सुना है इन द सेंस हम किसी को ये दिखाना नहीं चाहते कि हाउ अफेक्टेड और हाउ सैड और हाउ वी आर फीलिंग इट्स अ वेरी प्राइवेट मोमेंट सो वी आर ऑल प्राइवेटली क्वाइटली हैंडलिंग इट एंड एवरीबडी इज ओके एंडिंग एंड इटर वीन यू लुक बैक कोई फिल्म जो आपने छोडिया पर क्रिएट करती हैं? um there's two moments that comes to my mind not to uh, cause pain to anybody क्योंकि मैं जानती हूं मेरे ये कहने से ये बात निकल आएगी तो आजकल यू you नो know, वो छोटे छोटे स्निपेट्स बना के बहुत रील्स <laughs> में वो हाईलाइट हो जाता है बट मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती बट माई ट्रूथ इज़ बाज़ीगर में मुझे शिल्पा का रोल के लिए ऑफ़र आया था वीनस फिल्म से और मैंने वो फिल्म ये सोच के नहीं किया कि मैं सेकेंड फिडल uh, नहीं प्ले करूँगी सो so, ये जो मेरी फिलॉसफी है इनो you know, कि पिक्चर में मैं अपने आप को देखूंगी स्क्रीन पे देखूंगी मैं हाँ कहती हूँ मोस्ट प्रोजेक्ट्स के लिए हाँ कहती हूँ एक एक दौर ऐसा भी था कि मैंने बाज़ीगर को एक्सेप्ट uh, नहीं किया ये सोच के कि ये सेकेंड फिडल रोल है तो या दैट वाज वन ऑफ माय मोमेंट्स रिग्रेट करती है नहीं रिग्रेट नहीं करती मैं ये रिग्रेट इसलिए नहीं करती क्योंकि uh, मेरे कई दोस्त काफ़ी सारे मेरी लेडीज़ एक्ट्रेस फ्रेंड्स आज भी कहते हैं फॉर रोजा तो जैसे उन्होंने रोजा के लिए एस्पायर किया ऑडिशन किया और रोजा मुझे मिला वैसे ही जिसको जो मिलना रहता है जो जिसका है वो उनके पास चला जाता है सो दे इज नो रिग्रेट बट दिस इज अमेंट दैट आई डूड रिमेम्बर बाई गाइक देख जो होता है एक पाक ऊपर वाले ने चुरा है उस पाक में हम लोग निकल रहे हैं

<coughs> जो अगर आप उसको कूटोगे पीटोगे तो भी उनके मुंह से किसी के लिए खराब बात नहीं निकलेगी एक स्माइल नेगेटिव नहीं निकलेगा उनके फेस पे से या यू नो इवन अ नेगेटिव कमेंट अबाउट अ मूवी हम जब पिक्चर देख के आते हैं शी विल नॉट इवन इफ शी डिन लाइक इट इफ इट डिन सिट विथ हर सेंसिबिलिटीज शी विल से इट नो क्रिटिसिजम नो नेगेटिविटी फ्रॉम हर माउथ एवर मेरा लास्ट सेगमेंट शिट के का अंगार द फायर दैट यू टॉक अबाउट अजय या अरविंद द बेटर एक्टर यू नो मी आई एम द मोस्ट नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन अरे बेटर एक्टर बिल्कुल नहीं बताऊंगी मैं और मैंने मैंने खुद भी किसी को ऐसे जज नहीं किया दे आर ऑल गुड इन देयर ओन स्पेस सब अपनी जगह पे बेस्ट हैं वन पिक्चर जो आपने रिग्रेट किया करते हुए रिग्रेट um, किया करते हुए आपके दिमाग में आया कुछ आपने रोक लिया आई कुड सेंस इट आया बट यू हेल्ड इट चलो बिकॉज द नेम केम फर्स्ट और मैं नाम नहीं कहना चाहती नाम मत बोलो चलो <coughs> किए हैं मैंने दो तीन ऐसे फिल्म्स जो मुझे शायद नहीं करके घर में बैठ के बोल्ड एंड देखना चाहिए था क्यों नहीं करना चाहिए था चलो मैं नाम नहीं पूछा बट क्यों नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ मूवी वाले लोग थे मतलब um, जैसे बाहर के लोग यू you नो know, अपने सन को लॉन्च करने के लिए तो उन्होंने मुझे एस्टेब्लिश्ड एक्टर एक को लेके बाकी सब नए लेके वो जो और वो वो पिक्चर बनी नहीं लगी नहीं आई नहीं पर मैंने एंगेज किया उस फिल्म के साथ एटलीस्ट बीस दिन क्योंकि आई वाज कमिटेड एंड आई डिन एंजॉय दैट इवन दो आई कीप टेलिंग ना कि मैं फिल्म में काम करना चाहती हूँ करना चाहती हूँ बस वो जो इंगेजमेंट हुआ बिल्कुल ही आउटसाइडर्स के साथ आई फेल्ट इट वाज मेडिटेट कर लेना चाहिए था फैमिली के अलावा भी फोन कर सकते हैं और बोल सकते हैं मेरी एक फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में एंड हम लोग एक टाइम जोन में नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसके नाइट या डे ना देखते हुए मैं जब भी फ़ोन करती हूँ वो मेरा फोन लेती है और मैं अपना पूरा कहा संडे बॉम्बे में एक दिन के लिए अरे मेरा इंटरव्यू करा उनके साथ यार मैं आपको नंबर दे देती हूँ प्लीज नंबर देना मुझे अरे, मैं तो बड़ा यार. कैसे दोस्ती शुरू हुई <coughs> मेरी पहली फिल्म से आर्यगन से शी केम ऑन द सेट मैं अपने पहले शेड्यूल में थी वो भी थी वी सॉ देन वी डेड वन में लेट टूगेदर मूनार में थे फर्स्ट शेड्यूल न्यू ईयर के टाइम पे था <coughs> और मैं न्यू ईयर बहुत सेलिब्रेट करती थी उन दिनों लाइक like पार्टी शार्टी और मैं मूनार में शूटिंग में थी हर यार वॉट इज दिस सो रम्या मी एंड दू अदर थ्री अदर एक्टर्स सो शी सेट विल पार्टी हियर एंड जो पार्टी हमने वहाँ शुरू की आज तक हम करते यार How nice! I just love her. Please tell her that. Thank you so much, Madhu.